तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज बनाएंगे कच्चे आलू का एकदम क्रिस्पी करारा कुरकुरा सा नाश्ता। बच्चों को स्नैक में एक बार अगर ये बनाकर खिला दिया ना तो बच्चे आपसे ये बार बार बनवाएंगे और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बिना बनाए रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक हमने बड़े साइज़ का कच्चा आलू लिया है, इसे अच्छे से पानी से धुल लिया है ताकि जो भी डस्ट मिट्टी वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए। आलू को हमें अच्छे से छील देना है, पूरा बढ़िया से आलू को क्लीन कर देना है। ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बड़े क्या बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे। इसे आप छोटी मोटी पार्टी में भी स्नैक में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आलू को हमने छील कर रख लिया है। अब हमें आलू को किसी भी कद्दूकस से इसे हमें ग्रेट करना है। बारीक वाले कद्दूकस से अगर ग्रेट करेंगे तो आलू को हमें घंटों तक पकाना नहीं है और इसका रिजल्ट एकदम बेस्ट आएगा। तो आलू को हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, आलू बढ़िया से कद्दूकस हो गया है। तो बस अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि आलू में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो आलू हमारे पूरी तरह से काले पड़ जाएंगे, फिर ये नाश्ता हमारा ना दिखने में अच्छा बनेगा और ना ही खाने में। तो 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया है, अब इसे हम रख देंगे साइड में। और चलिए करते हैं और तैयारी। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो गई तो इसमें 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल दिया है। तेल अच्छा गर्म हो गया तब 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा जब अच्छे से चटक जाए तो 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिया। सफ़ेद तिल बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रेट किया हुआ अदरक हरी मिर्च डाल दिया। तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिलाकर अच्छे से भून लेंगे। और गैस की फ्लेम को ना बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को पकने में बहुत समय नहीं लगता है। अब जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था वो भी हम डाल देंगे और इन्हीं मसालों के साथ इन्हें हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो अच्छे से हमने मिला लिया है इस तड़के को अच्छे से आलू में, और 1 से 2 मिनट तक आलू भी अच्छे से भून गया है। फिर आलू का बहुत अच्छा सोंधापन आता है। 1 कप के जितना पानी डाल देंगे, किसी कटोरी या कप को सेट कर लीजिए। 1 बड़ा कप पानी डालेंगे और पानी डालकर अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के लिए इसे छोड़ देंगे तब तक के लिए जब तक इसमें बढ़िया सा उबाल ना आ जाए। और बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को तुरंत लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। ध्यान रखिएगा जिस कप से आप ले रहे हैं उसका 1/2 सूजी लेना है। 1 बड़े कप का आप पानी डालिए तो 1/2 कप सूजी लीजिए। सूजी को डालकर हमें फटाफट से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी यूज़ की है, आप अपने हिसाब से अगर मोटी हो तो उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा। बारीक वाली सूजी अच्छे से मिक्स हो जाती है और डो के फॉर्म में अच्छे से आ जाती है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए, जैसे हम आटा लगाते हैं ना वैसा हो जाना चाहिए। और इसे फिर हमें बाद में जब इसे मिक्स हो जाए तो थोड़ी सी आंच बढ़ा लेना गैस की और फिर इसे पकाएंगे। सूजी को पकने में बहुत समय नहीं लगता है, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी से पानी को अब्सॉर्ब करती है और ये बहुत जल्दी डो के फॉर्म में आ जाती है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा सूजी का डो बनकर तैयार है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ी देर कढ़ाई में रहने देंगे और उसके बाद फटाफट से इसे हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसे हमें बर्तन में निकाल कर इसे हल्के से फैला देना है ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। आप इसे पंखे में रख कर 2 मिनट तक भी इसे ठंडा कर सकते हैं। और ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे हाथों से या फिर इस तरीके से पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये नीट हो जाए, बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार हो जाए। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा छोटे से नींबू साइज़ का पोर्शन हाथ में लेंगे और इसके अब हमें इन्हें शेप देना है कटलेट का। तो पहले हम गोल शेप में करेंगे, चिकना करेंगे और इसे इस तरीके से बना लेंगे।
आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं जैसे बच्चों को पसंद हो, और ये वाला शेप कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बच्चे बहुत ही मज़े से खाते हैं। मैंने जब इस नाश्ते को बनाया तो मेरा बेटा ना इतने मन से खाया कि मैं क्या ही बताऊँ। और इस तरीके से हमने बना लिया है, और इसी तरीके से मैं दूसरा भी बता रही हूँ। सेम उसी तरीके से छोटा सा पोर्शन हाथ में लेना है, इस तरीके से शेप देना है तिकोनी शेप में, और इसे बहुत ही ईजिली बन जाता है। और इस तरीके से हमने फटाफट से पूरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी था और इतना ज़्यादा क्रिस्पी था कि अगर आप इस तरीके से नाश्ते घर में बनाकर देंगे तो बच्चे बाहर के पैकेट वाले स्नैक खाना भूल जाएंगे। अब हमें कढ़ाई में तेल डालना है। तेल आप कम या ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको फ्राई करने हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही तेल इस्तेमाल किया है, थोड़े तेल में भी ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है तो इनको डाल देंगे, जितने आपकी कढ़ाई या पैन में जगह हो उतने पीसेस डाल देंगे और इसे एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तभी हम इन्हें पलटेंगे और इन्हें अच्छे से पलट देंगे। जब ये एक तरफ से सिके तभी इनको पलटिएगा, नहीं तो ये सूजी टूट या बिखर भी सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक तरफ से जब अच्छे से सेक जाए तो इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छे से सेकेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा ताकि ये अंदर तक एकदम अच्छे से सिके और बहुत ही कुरकुरा करारा सा बने। ये स्नैक आप घंटों तक अगर रखे भी खाएंगे तब भी ये एकदम करारा सा बना रहता है, क्योंकि सूजी का है, बिल्कुल भी सौगी नहीं होगा और बहुत टेस्टी लगेगा। अभी अच्छे से सिक गया है तो इसे फटाफट से हमें निकाल लेना है बाहर, और इसे बनने में बहुत समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप वीकेंड में बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में कभी भी बनाकर खाइएगा। इतना कुरकुरा करारा मज़े का नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।